पिंक कलर का स्टैम्प पैड चाहिए था और शॉप पे जाने का मन भी नहीं कर रहा था। डॉम्स का इरेजर तो मैंने यूज कर लिया, चलो उसके कंटेनर के साथ कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे ये स्पॉन्ज तो वही है जो पार्सल में मिलता है। स्पॉन्ज को प्रिक कर लेते हैं ताकि इंक अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। वाओ, हमारा आउटर कवर भी रेडी हो गया। कुछ दिनों पहले बनाई थी मैंने होममेड इंक, तो उसको इसके अंदर पोर कर लेंगे। तो देखा, शॉप पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा स्टैम्प पैड बनकर रेडी हो गया। टेस्टिंग टाइम। वाओ गाइस, ये कितना अमेजिंग लग रहा है। ऐसी जुगाड़ू टेक्निक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सैनरियो कैरेक्टर्स में से माय मेलोडी और सिनेमरोल की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को कंबाइन करके मार्कर बना दिया जाए। तो है ना ये अमेजिंग और कमाल का आइडिया। ड्यूअल टिप मार्कर तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने ड्यूअल कलर मार्कर सुना है? ईयरबड्स को टिश्यू पेपर में रोल कर ड्रॉपर के हेल्प से कलर फिल कर लेंगे। वैसे ही कलर फिल करने का पार्टनर बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। तो क्या सोच रहे हो गाइस, जल्दी से सिनेमरोल लवर्स ब्लू हार्ट कमेंट करो और माय मेलोडी लवर्स पिंक हार्ट। अरे कैप बनाना तो भूल ही गई। माय मेलोडी के लिए पिंक कैप और सिनेमरोल के लिए ब्लू कैप। वैसे गाइस, पहले स्टेशनरी शॉप पे जाओ तो एक सिंपल सा प्लेन ब्लैक मार्कर होता था, लेकिन आजकल इतने अमेजिंग कलेक्शंस आते हैं। अरे बातों बातों में मार्कर बनके रेडी हो गया। टेस्टिंग टाइम। तो क्या सोचे हो गाइस, इस जबरदस्त से मार्कर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अरे ये ग्लू की एम्प्टी बॉटल यहाँ क्या कर रही है? आइडिया, चलो ग्लू पेन बनाते हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। चलो ये रिफिल की निब चोरी कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारी ग्लू पेन बनके बिल्कुल रेडी है। चलो अभी से टेस्ट करके देखते हैं। आप सोच रहे होंगे फेविकॉल से डायरेक्ट भी तो स्टिक कर सकते हैं, तो ये देखो डिफरेंस। पहले मैं फेविकॉल से स्टिक करती हूँ। ई, इट्स लुक सो शैबी। अब यूज करते हैं हमारी प्यारी सी ग्लू पेन जो कि मैंने बनाया है। देखा कितने नीट लग रहा है। अब क्या सोच रही हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये कंटेनर मैं डिस्कार्ड करने ही जा रही थी कि अचानक याद आया कि मेरे पास तो स्टैम्प पैड नहीं है। फिर क्या था, स्पॉन्ज के एक पीस को इंसर्ट किया और उसमें होममेड इंक डाल दिया। चलो इंक को अच्छे से अब्सॉर्ब कर देते हैं। ये स्पॉन्ज की पीस आपको कोई भी पैकेजिंग मटेरियल में मिल जाएगी और कंटेनर तो वेस्ट है। तो बन गया ना हमारा फ्री में एक स्टैम्प पैड। चलो अब इसे ट्राई करते हैं। वाओ गाइस, ये तो एकदम रियल स्टैम्प पैड लग रहा है ना, अमेजिंग जुगाड़ू टेक्निक। जब भी कोई चीज डिस्कार्ड करने जाओ एक DIY आइडिया आ जाती है। ये रोलर परफ्यूम मैं फेंकने ही वाली थी, तभी याद आया कि अरे इसको यूज करके तो एक रोलर ग्लू बना सकते हैं। फिर क्या था, क्लियर ग्लू को मैंने इसमें फिल कर लिया। चलो अब इसका आउटर कवर थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। टेस्टिंग टाइम। वाओ गाइस, ये तो एकदम रियल रोलर ग्लू लग रहा है। तो देखा, घर बैठे ही हमने इतना अमेजिंग सा रोलर ग्लू रेडी कर लिया। अरे ये नेल पॉलिश टेबल पे क्या कर रही है? आइडिया, चलो नेल पॉलिश जैसी पेन बनाते हैं। ग्लिटर पेन की रिफिल कब से मेरे पास पड़ी हुई थी, तो चलो आज इसे यूज करते हैं। रिफिल को कट करके पेपर में रोल कर लिया। टॉप तो बन गया है, चलो अब बॉटम बना लेते हैं। पर्पल कलर मेरा फेवरेट है, तो यहाँ पे मैं पर्पल कलर की नेल पॉलिश पेन बना रही हूँ। वैसे गाइस, आपका क्या फेवरेट कलर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बातों बातों में नेल पॉलिश पेन बन के रेडी हो गई। है ना अमेजिंग आइडिया। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या सोच रहे हो, ऐसी प्लास्टिक आपके पास भी होगी जब आपने कोई पार्सल मंगाया होगा। जी हाँ गाइस, तो आज हम बनाएंगे ट्रांसपेरेंट बुकमार्क। साउंड्स अमेजिंग इजंट इट। और हाँ, वो भी सैनरियो कैरेक्टर्स पे। कुछ दिन पहले मैंने बनाए थे ये होममेड स्टिकर्स, इस पे जस्ट स्टिक कर लो। जी हाँ, बुकमार्क रेडी है ना अमेजिंग आइडिया। तो क्या सोच रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता है, ये ब्राइट सा कलर पेपर देख के मेरी नीयत बिगड़ गई। मैंने सोचा क्यों ना इसका मैजिक स्लेट बनाया जाए। एक ट्रांसपेरेंट पैकेट में ऐड करेंगे थोड़ा सा एक्रिलिक कलर और फेविकॉल, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसके साइड्स को अच्छे से सील कर लेंगे और फिर उसको स्टिक कर लेंगे। कुछ कलर स्ट्रिप्स को कट करके मैं साइड्स पे लगा दूंगी ताकि एकदम जबरदस्त लगने लगे। अब स्टिकर्स ऐड कर लेंगे। एंड दैट्स इट गाइस, हमारा मैजिक स्लेट बनके रेडी है। टेस्टिंग टाइम। वाओ, ये तो एकदम रेडीमेड लग रहा है। चलो मैजिक स्लेट तो बन गया, अब बनाते हैं मैजिक वॉटर बुक जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ स्टिकर्स जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाए थे। अगर आपके पास ऐसे स्टिकर्स नहीं है तो आप प्रिंटेड पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर अप्लाई करूंगी मैं डबल साइडेड टेप और उसके बाद हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है टिश्यू पेपर। गाइस, मार्केट में तो आपको रेडीमेड बुक्स मिल जाएगी, लेकिन हैंडमेड बुक बनाने का ना अलग ही मजा होता है। बुक तो बन गई, चलो अब पेन बना लेते हैं। ईयरबड्स को कलर पेपर में रोल कर लेंगे। तो फाइनली आ गया हमारा टेस्टिंग टाइम। यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे यूज करने के लिए। पेन को वाटर में डिप करके इस तरीके से यूज करेंगे। देखिए गाइस, क्या जबरदस्त मैजिक वाटर बुक बन के रेडी हुई है। ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स मैं डिस्कार्ड करने ही वाली थी कि अचानक एक अमेजिंग आइडिया आई। फिर क्या था, कोल्ड ड्रिंक के कैप को रिमूव कर लिया। चलो ये क्यूट से पेपर स्ट्रॉज यूज करते हैं। पिंक एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन देख के आपने गेस कर ही लिया। जी हाँ गाइस, हम बना रहे हैं बार्बी स्टैम्प सेट।
Sounds amazing, isn't it? कुछ फोम कटआउट्स को कैप पे स्टिकर लेंगे। ये स्टैम्प पैड कब से पड़ा हुआ था? क्योंकि मेरे पास स्टैम्प्स नहीं थे ना। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले बटरफ्लाई वाला यूज करते हैं। वाओ गाइस, ये तो एकदम रियल स्टैम्प सेट लग रहा है। क्यूट से स्टैम्प सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ये बॉक्स मैं डिस्कार्ड करने ही जा रही थी कि अचानक एक अमेजिंग सा आइडिया आया। फिर क्या था, कलर्ड पेपर में इसे कवर कर लिया। जी हाँ गाइस, यहाँ पे हम बना रहे हैं मिनी बैकपैक विद स्टेशनरीज। Sounds amazing, isn't it? सैनरियो कैरेक्टर्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरे बैकपैक पे कीचेन ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक मैं इसके हैंडल्स बना रही हूँ, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे हमारा माय मेलोडी क्यूट सा बैकपैक बनके रेडी है। अब बुक और पेंसिल बना लेते हैं। वैसे गाइस, आज की वीडियो बनाने में ना मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। अब सारी चीजों को बैग के अंदर रख देंगे। सो गाइस, इस क्यूट से माय मेलोडी बैकपैक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अरे पिंक पेपर स्ट्रॉस कब से रखा हुआ है? तो चलो इससे कुछ अमेजिंग सा बनाते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था बार्बी मार्कर, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था। सो गाइस, आज हम बनाएंगे मिनी बार्बी मार्कर। साउंड्स अमेजिंग, इजंट इट? ईयरबड्स को टिश्यू में रोल कर लेंगे, स्ट्रॉस के अंदर इंसर्ट कर देंगे, अब इसका कैप बना लेते हैं। बार्बी क्राफ्टिंग है तो ब्लैक एंड पिंक कॉम्बिनेशन तो बनता है। आउटर कवर हो गया है रेड। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ डॉम्स के ट्यूब्स कलर। कलर पैलेट में कुछ अमेजिंग बार्बी शेड्स ले लेंगे। एड सम वाटर एंड मिक्स इट। जब तक मैं कलर्स को मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसे इसको बार्बी पसंद है, ये वाला इमोजी कमेंट करो। टेस्टिंग टाइम। वाओ गाइस, ये तो एकदम रियल मार्कर लग रहा है। स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग डीआईवाई। वीडियो बना के बहुत स्ट्रेस हो गया था, तो मैंने सोचा चलो कुछ स्ट्रेस रिलीविंग टाइप का बनाते हैं। बहुत दिनों से नैनो टेप पड़ा हुआ था, तो चलो नैनो टेप से कुछ स्क्विशी टाइप का बनाते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने पिंक कलर का सॉफ्ट क्ले। जी हाँ गाइस, हम बना रहे हैं माय मेलोडी स्क्विशी टॉय, क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब आ गया सबसे स्ट्रेस रिलीविंग काम। जी हाँ गाइस, ये पील करना ना बहुत मजेदार लगता है। माय मेलोडी का जो मैंने स्टिकर बनाया था, वो इस पे लगा देंगे। नाउ इट्स टाइम टू रिलीव योर स्ट्रेस। वाओ यार, इसके साथ प्ले करने में तो बहुत मजा आ रहा है। ओ, तो आप भी इसे ट्राई करने का सोच रहे हैं? चलो अब तो मूड फ्रेश हो गया, अब कुछ क्राफ्टिंग कर लेते हैं। चलो क्ले की असली वाली बुक बनाते हैं। हाँ हाँ, जिसमें आप लिख सकते हैं। क्ले को दो पार्ट में डिवाइड करके मैंने इसका फ्रंट और बैक पार्ट बना लिया। चलो कुछ प्लेन व्हाइट शीट्स को स्टेपल करके पेजेस बना लेते हैं। अब डबल साइडेड टेप के हेल्प से मैं इसका कवर स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा बुक का बेस बनके बिल्कुल रेडी हो गया। चलो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। चलो पोस्का मार्कर यूज कर लेते हैं, जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। वाओ गाइस, कितनी क्यूट सी मिनी क्ले नोटबुक बनके रेडी है। इस क्यूट से क्ले नोटबुक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। कुछ दिनों पहले मैंने परचेज की थी स्टिकी नोट्स, जिसका पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसे डिस्कार्ड करने ही वाली थी, तभी एक जबरदस्त आइडिया आया। आजकल ग्लिटर स्केल बहुत ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि अब सिंपल सी स्टेशनरी किसी को अच्छी कहाँ लगती है। चलो अब इसमें अपनी मन पसंद की सारी चीजें ऐड करते हैं। ग्लिटर ग्लू, ग्लिटर्स और बहुत सारी चीजें। अरे वाशी टेप से थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं, कुछ तो मिसिंग है। अरे हाँ, स्टिकर्स अप्लाई करना तो भूल ही गए। स्टे ट्यून्ड फॉर अमेजिंग डीआईवाईज।